दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए, दो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से लिंग में तनाव नहीं आता। पहला तो होता है कि साइकोजेनिक, मतलब एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, डर की वजह से, फोबिया की वजह से। आपको परफॉर्मेंस डर लगता है कि भाई यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतनी एंजाइटी रहती उसकी वजह से। तो इसको तो बोलते हैं अपन साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। दूसरा कारण है ऑर्गेनिक, मतलब कि कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज है, मतलब जैसे कोई नसों में खराबी है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई नशा कर रहे हैं या कोई दवाइयाँ चल रही है या हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया हुआ है, या जैसे लिंग में जो है बहुत ज़्यादा घुमाव है, टेढ़ापन है। तो ये ऑर्गेनिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, वो किस कारण की वजह से हो रहा है। आप कैसे पता लगाओगे कि भाई आपको साइकोलॉजिकल है, टेंशन की वजह से हो रहा है या ऑर्गेनिक कारण। तो सबसे पहला है तो उम्र, कि भाई किस एज में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अगर 40 साल से कम उम्र में अगर आपको लिंग में तनाव नहीं आ रहा है और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको साइकोलॉजिकल हो सकता है ज़्यादातर। और अगर 40 साल के बाद में अगर हो रहा है तो ज़्यादातर संभावना है कि आपको ऑर्गेनिक हो सकता है। तो एक तो एज, कम उम्र में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो साइकोलॉजिकल, ज़्यादा बड़ी उम्र में हो रहा है तो ऑर्गेनिक। दूसरा कि अचानक बीमारी हो रही है, जैसे आप बढ़िया रेगुलर सेक्स करें तो एकदम ही अगले दिन ही आपको पता लगा कि आप सेक्स नहीं कर पाए, लिंग में तनाव नहीं आया, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल। अगर ऑर्गेनिक होगा, किसी डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या बीपी की समस्या है या कोई नसों की खराबी है, तो वो धीरे धीरे बीमारी आएगी, एकदम नहीं आएगी। लेकिन साइकोलॉजिकल है तो वो एकदम ही आ जाएगी, कल तो बढ़िया सेक्स किया और आज नहीं कर पाए। थर्ड है कि अगर आपको साइकोलॉजिकल है तो क्या होगा कि जैसे आपने अपनी वाइफ के साथ तो सेक्स कर लिया, लेकिन गर्लफ्रेंड के पास गए और सेक्स हुआ ही नहीं। आप हस्त मैथुन तो बराबर कर रहे हैं, मास्टरबेशन तो बराबर कर रहे हैं, और जैसे ही सेक्स करने जाते हैं और आप सेक्स नहीं कर पाते। आप फोर प्ले कर रहे हैं, आप बीवी के साथ लेटे हुए हैं, लड़की के पास लेटे हुए हैं, तब तो इरेक्शन आ रहा है, और जैसे ही आप पेनेट्रेट करते हैं तो आप सेक्स नहीं कर पाते हैं, लिंग में तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो है साइकोलॉजिकल, अगर ये समस्याएँ हैं तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल। अब ऑर्गेनिक होगा तो वो हर समय होगा, आप बीवी के साथ भी सेक्स नहीं कर पाएंगे, गर्लफ्रेंड के साथ में भी सेक्स नहीं कर पाएंगे, आप मास्टरबेशन भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी समय आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा, मतलब जनरलाइज हो जाएगा, सिचुएशनल नहीं होगा, हर समय आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा अगर आपको ऑर्गेनिक यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम या नसों की समस्या है। तो अब अपन बात करते हैं डिज़ायर की, इच्छा की सेक्स करने की। देखिए, अगर साइकोलॉजिकल है तो आप डरे हुए रहते हैं, आपको डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, आपको फोबिया रहता है, तो उस चक्कर में क्या होता है, आपके सेक्स करने की इच्छा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जिनको ऑर्गेनिक है उनको सेक्स करने की इच्छा जो है बराबर रहती है, उनकी डिज़ायर जो है वो नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं एंजाइटी के बारे में, डर के बारे में। देखिए, ऐसा अगर आपको साइकोलॉजिकल है तो आपको घबराहट रहेगी, धड़कन बढ़ेगी, बेचैनी रहेगी, आपके दिमाग में बार बार विचार आएंगे कि मैं सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आज फिर फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, बीवी क्या सोचेगी, लड़की क्या सोचेगी, इस तरीके के दिमाग में विचार आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब आपको साइकोलॉजिकल है। फिर अगर आप रात में सो रहे हैं और लिंग में तनाव आ रहा है, इसको नॉक्चुरल ट्रेमिनेंस बोलते हैं, अगर रात में लिंग में तनाव आ रहा है नींद के अंदर, इसका मतलब कि आपके लिंग में तो कोई ख़राबी नहीं है, नॉर्मल है लिंग। लेकिन आप जैसे ही बीवी के पास जाते हैं, लड़की के पास जाते हैं सेक्स करने के लिए, वैसे ही आपके लिंग में जो है वो तनाव आना बंद हो जाता है। तो रात को सो रहे हैं नींद में तो लिंग में तनाव आ रहा है, लेकिन जब आप सेक्स कर रहे हैं तो लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब साइकोलॉजिकल। ऐसा क्यों? अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती, कोई नसों की खराबी होती, तो जब आप रात में नींद में सो रहे हैं तब भी इरेक्शन नहीं आता है लिंग में। तो अगर ऑर्गेनिक है तब तो रात में हो या दिन में हो, नींद में हो, कहीं पे भी आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल है तो रात को नींद में तो तनाव आ सकता है, लेकिन सेक्स करते वक्त जो है वो लिंग में तनाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।